अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कूबीज ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्कूबी भी थोड़ा आगे से बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो हम लोग कहीं निकल रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है। मैं आगे आगे दिखाऊंगी आप लोगों को क्या चल रहा है, क्या काम है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, मैंने लंच वगैरह प्रिपरेशन कर लिया है और मेरा वो लंच वाला प्रिपरेशन वाला वो चीज़ आप लोग उसको एंजॉय कीजिए और फिर आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अवधि कढ़ाई चिकन का रेसिपी आपको बता रही हूँ। इसका इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे मैंने चिकन को मैरिनेट किया है। इसमें लेमन जूस भी मिलाया है चिकन में, और अब अलग से टमाटो और अनियन को स्लाइस कर लिया है और यहाँ ज़ीरा रखा है। एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, 2 चम्मच ऑयल डाला है, जिसमें अब मैं ये ज़ीरा डालने वाली हूँ। तो ये ज़ीरा जैसे क्रैक होने लगेगा, हल्का ब्राउन होने लगे, तब इसमें हमने डाल देना है वो जो स्लाइस किया हुआ अनियन और टोमेटो, ये डाल दिया। इसे हमने हल्का ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन तक इसको फ्राई करते रहना। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। अलग से हमने टोमेटो और प्याज को डाइस में काट के रखा हुआ है। जब वो मसाला कढ़ाई में ब्राउन हो जाए तब हमने इसे मिलाना है उसमें। हमने इसको मिला दिया है और मिलाया है 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करते रहना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्का सौते हो जाए, इसका कच्चापन चले जाए, तो अवधि जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है ये 2 टेबलस्पून है, जो कि 500 ग्राम चिकन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होता रहेगा और ये अपना कलर चेंज करे, उस समय आप सॉल्ट टेस्ट अनुसार मिला दीजिए। और सॉल्ट मिलाने के बाद इसको थोड़ा हल्का स्टेयर फ्राई कीजिए और करने के बाद इसमें मैरिनेट जो चिकन है उसको हल्के धीमे आँच में पकाते रहिए। इसमें पानी मत डालिए, इफ़ नेसेसरी नीचे लगे तभी आप पानी डालिए, वरना इसे ढक कर धीमे आँच में पकाइए। ये ऐसे ही इसका टेस्ट आएगा। इसको तब तक पकाइए जब ये अच्छे से लाल, सॉफ्ट और टेंडर ना हो जाए, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको सर्व कीजिए कोरिएंडर लीफ के साथ। आप इसे गरम चावल, रोटी, पराठा, नान, तंदूरी जिसके साथ चाहे इसको खा सकते हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं, स्कूबी को घर में दे दिया है उसको उसको ट्रीट के साथ। तो अभी हम लोग 1 o'clock हो रहा है, तो हम लोग आगे निकल रहे हैं और आप लोग तो साथ में ले जाएंगे और सैर करवाएंगे।
जिस काम के लिए हम लोग निकले थे वो काम हो चुका है, तो अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। तो बहुत ज़ोरों का भूख लगा है, पहले हम लोग खाएंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं कोलकाता का फेमस मिष्टी हाब। ये है कोलकाता का फेमस मिष्टी हाब। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कोलकाता का फेमस इको पार्क, जहाँ पे वर्ल्ड का बहुत फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स को छोटे छोटे मिनिएचर में बनाया गया है। ये पार्क बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें हर मुल्क का, थ्रू आउट द वर्ल्ड का हर मिनिएचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। फ्रेंड्स, हम लोग अभी 4 o'clock हो चुका है, तो हम लोगों का काम हो चुका है, जिस काम के लिए निकले थे वो काम हो चुका है। तो अब हम लोग लंच के लिए आए हुए हैं और आए हुए हैं अमीनिया। अमीनिया जो राजरहाट आउटलेट है वहीं पे हम लोग आए हुए हैं, तो लंच करते हैं और फिर जाएंगे CCJU की तरफ। वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। परी से हाय। तो ये हॉस्टल वापस जा रही है और इसलिए इसके लिए कुछ शॉपिंग करना है। तो चलिए खाते हैं, भूख बहुत तेज हो कर लगा हुआ। उसके बाद CCJU जाते हैं और फिर अपडेट देते हैं, चल खाते पीते हैं। परी, कस्टमर हो या सेल्स गर्ल हो, क्या हो तुम? देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ चॉइस करा है, समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये लू या फिर ये लू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ नेल पॉलिश निकाल कर रखा है और वहाँ कुछ वो चूज कर रही है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नेल पॉलिश लू। तो हम लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद घर चल के दिखाते हैं क्या क्या लिया। दिखाओ थोड़ा सा मेकअप के बाद क्या लग रहा है। मैंने कुछ ग्रॉसरी मंगाया है जो अमेज़ॉन से है, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने, ये एक्चुअली मंथली ग्रॉसरी है। अभी तो फिलहाल तो ये 2 pack आया है, तो मैं ये 2 pack ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। चाय पीते पीते आप लोगों को मैं अमेजोन हॉल वीडियो दिखा देती हूँ चाय के साथ। ये पहला प्रोडक्ट खोल रही हूँ, होपफुली ये स्कूबी का है। हाँ, ये शैम्पू मंगवाया है स्कूबी के लिए, टी कैम्फली मैनेजमेंट लेमन फ्रेग्रेंस में, हिमालय का है, तो ये स्कूबी के लिए है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये मैंने इस डब्बे, दोनों डब्बे को खोल लिया है और डब्बा तो बहुत बढ़िया से पैक कर होकर आता है। और सबसे इसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि इस डब्बे में जितना सामान होता है नहीं, उससे कई ज़्यादा पेपर होता है इसमें। पूरा डब्बा में क्या है देखिए आप, सिर्फ ये आया है उसके लिए, ये पूरा डब्बा है। चलिए हटाते हैं इसे, देखते हैं। ये एक प्रोडक्ट गया, इसमें आया है
इसमें तो काफी सारा सामान आया है, थोड़ा क्लोज आ जाओ। ये प्रीमियर इंटरनेशनल ना टी ट्रेल मिस्क, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो हर महीना मंगाते हम लोग। ये चाय, मैगी, जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो यही ऑप्शन हमें दिखता है। पास्ता मंगवाया है हमने, ये थोड़ा बहुत सामान जो भी आया है और फिर जब आएगा मैं दिखाऊंगी। ये पास्ता, तीन तरह का पास्ता मंगाया है हमने, और मंगाया है ये क्या आया है, जीरा पाउडर। तो बस यही फिलहाल तो यही सामान आया है और इतने बड़े डब्बे में आया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे, चैनल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। स्कूबी का बर्थडे है सितंबर में, अभी भी 100 सब्सक्राइबर हुआ नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ताकि मैं और आगे और भी अच्छा अच्छा अलग अलग तरीके का ब्लॉग्स बनाऊँ, आप लोगों को एंटरटेन करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।